सो गाइस मुझे पता है आप लोग थंबनेल पे क्यों क्लिक किए हैं, क्योंकि आप लोग ना मेरे जैसा फुल एचडी गोरा करना चाहते हैं एंड फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस स्मूथ करना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे कोई अच्छे से नहीं बताता है, कोई बताता नहीं रियल तरीके से। सो गाइस आप लोग कहते हैं ना कोई रियल तरीके से कोई आसान तरीका कोई वीडियो डाले यूट्यूब पे, जिस वीडियो को हम लोग देख करके ना मेरे जैसा हमारे जैसा आप लोग फेस स्मूथ करना चाहते हैं, फुल एचडी हाई क्वालिटी एंड फुल एचडी गोरा करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच अगर आप लोग कर लेंगे तो 110% गाइस मैं बताता हूं आप लोग मेरे जैसा रियल तरीके से फेस स्मूथ एडिटिंग करना सीख जाएंगे, फेस स्मूथ एंड प्लस फेस को व्हाइट कैसे आप लोग करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड आज का वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए फिर मैं देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले, जैसे कि बिफोर हमारा फोटो देख लीजिए एंड आफ्टर सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ऑसम एंड बवाल होने वाला है। 2022 का सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना, ओरिजिनल फोटो को पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा एंड आप लोग को क्या करना है बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिना अगर इस वीडियो को देख लेंगे 110% गाइज आप लोग फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे। सो गाइज शेयर करने में सिंपली आपको टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा, आप लोग टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है गाइज। तो सिंपली आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोगों को क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे देखिए इनहेंस, ठीक है गाइज। इनहेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग का फेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिंपली आप लोग को सिचुएशन वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका सिचुएशन आप लोग जीरो कर देंगे, फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसका अमाउंट आप लोग को जीरो कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा। देखिएगा यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन होगा, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आप लोग को ना थोड़ा सा अमाउंट को कम कर देना होगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। अगर मान लीजिए आप लोग का फेस ज़्यादा गोरा है तो आप लोग यहाँ से फिर अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा समय आप यहाँ पे कम कर देता हूँ तो -5 कर दिया हूँ एंड गाइस इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग को आ जाना होगा, यहाँ पे देखिएगा फिर से टूल्स वाला आइकन पे एंड दोस्तों टूल्स वाला आइकन पे आने वाला सिंपली आप लोग को देखिएगा सबसे पहले आप लोग रिसाइज कर लीजिएगा आप लोग अपने फोटो को। तो सिंपली हम लोग रिसाइज वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं एंड यहाँ से देखिएगा 2049 था तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट कोई सा भी अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से हम लोग रिसाइज कर देंगे तो 2049 पे हम लोग का फुल एचडी हाई क्वालिटी फोटो लग रहा है। तो 2049 यहाँ से करके रिसाइज कर लेंगे एंड यहाँ से डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। एंड दोस्तों हम लोग इतना काम कर चुके हैं पिकशॉट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ से आप लोग देखिए बिफोर, ठीक है गाइस बिफोर ये फोटो है एंड हम लोग पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर बनाए हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग का फोटो हुआ है। एंड आप लोग को इस तरीके से रियल वीडियो ना कोई नहीं सिखाएगा जैसे मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। गैलरी में कोई नहीं दिखाता होगा, देखिए बिफोर दिखाते हैं एंड आफ्टर जो पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर अभी मैं जस्ट एडिट करके आप लोग को दिखाया हूँ। सो गाइस इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, एक एक स्टेप बताने वाले हैं बिना स्किप किए आप लोग पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिए। सो दोस्तों स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने में सिंपली आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ से आप लोग को क्लिक कर देना होगा। देखिएगा ट्यून इमेज है, सिंपली आप लोग ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका सिचुएशन आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर देना होगा, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो -24 कर दे रहे हैं एंड यहाँ से एम्बियंस को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो +42 कर दे रहे हैं 42 एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा तो 63 माइनस एंड यहाँ से शेडो को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा ताकि जो भी आप लोग का होठ रहता है आँख रहता है यहाँ पे देखिए बीच में ब्लैक रहता है तो शेडो को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस आ रहा है, देख लीजिए आप लोग को दिखा रहे हैं। इतना अच्छे तरीके से कोई आप लोग को आज से पहले यूट्यूब पर वीडियो कोई डाला नहीं होगा एंड आप लोग को कोई सिखाया नहीं होगा। तो शेडो को 35 कर दे रहे हैं एंड दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना इफेक्ट आया बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा। देखिए आप ब्रश वाला आइकन होगा, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से आप लोग सिर्फ अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। एंड दोस्तों जैसे मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग सिर्फ अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए ग्रीन आ गया है हम लोग के फेस के ऊपर तो उसको मैं बताऊंगा कैसे आप लोग ठीक करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा, सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम 14+ कर दे रहे हैं एंड दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लैक है तो यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से सेलेक्टिव को मारेंगे ताकि यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाए एंड हम लोग जब भी फेस को व्हाइट करें फेस को स्मूथ करें तो बहुत की बवाल का लगेगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा।
एंड दोस्तों इतना करना, सिंपली हम लोग स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को एडिट किए हैं। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए बिफोर फोटो है, ठीक है। एंड हम लोग फिर से इस फोटो को एडिट किए हैं, तो देखिए कितना इफेक्ट आया है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे आरडीएक्स भाई हम लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ जाता है, जो भी दाग धब्बा रहता है उसको हम लोग कैसे रिमूव करें। एंड दोस्तों सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा फिर से आप लोग को स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइज। इतना करना फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाएगा। एंड आप लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना होगा। एंड दोस्तों लेंस ब्लर पे क्लिक करना, सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन को 100 कर देना होगा एंड सेकंड वाले ऑप्शन को 100 कर देना होगा। एंड यहाँ से इसको बीच में थोड़ा सा साइड लेकर के आ जाएगा छोटा करके, ठीक है। यहाँ बीच में रहेगा तो यहाँ कॉर्नर में एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ से थोड़ा सा ब्लर स्कैन को थोड़ा सा कम कर देंगे 70+। एंड यहाँ से इसको भी थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे तो 69+ कर दे रहे हैं। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से आप लोग शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, तीर वाला ऑप्शन होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। व्यूडिट्स पे आ जाएगा एंड यहाँ से लेंस ब्लर एंड ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग कहते हैं आर्टिक्स भाई फेस को स्मूथ करते हैं, तो हमारे फेस के ऊपर 110% गाइज ब्लैक ब्लैक आता है। सो दोस्तों देखिए अभी हम ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं तो कितना अच्छे तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड जैसे हम अपने लेंस ब्लर को यूज किए हैं टूल्स को, ठीक है गाइज, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, तो देखिए कितना बवाल तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ होना चालू हो चुका है। एंड जो भी पिंपल्स रहता है, सॉरी गाइज, पिंपल्स एंड ब्लैक ब्लैक रहता है तो आप लोग रिमूव नहीं कर पाते होंगे। तो बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच कीजिए गाइज, और आप लोग भी मेरे जैसा एडिटिंग 110% गाइज आज आप लोग को रियल तरीके से मैं सिखा दूंगा। वीडियो आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे जो जो मैं ट्रिक यूज करूंगा। आप लोग वीडियो रोक रोक करके देखेंगे तो आप लोग का भी फोन के अंदर आप लोग का फोटो एडिट होगा अगर आप लोग करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। तो चलेगा बिना देर की वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरी जान देखिए कितना औसम तरीके से बवाल तरीके से हम लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई किए लेंस ब्लर को, तो कितना औसम तरीके से हम लोग का फेस हो चुका है। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा। फिर से हम आपको बैक आकर दिखाते हैं, बैक आकर के देखिएगा अभी आप लोग वीडियो में अंतर देखिएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, फोटो में आप लोग क्वालिटी देखिएगा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे गाल के साइड में देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर। एंड दोस्तों इतना वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। एंड दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों फोटो सेव करने में सिंपल आप लोगों को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये मेरा खुद का प्रीसेट है, ठीक है गाइस, मैं खुद से अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको क्रिएट किया हूँ, यानी मतलब कि मैं बनाया हूँ। आप लोग बिना स्किप किए पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, आप लोगों को बता देंगे आप लोगों को कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। सो दोस्तों प्रीसेट देखिए हमारा है, ठीक है गाइस, यानी मतलब आप ही लोग का है, ठीक है गाइस, सॉरी। तो सिंपली हम लोग देखिए यहाँ पे शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा, उस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे, टूल्स को सही कर देंगे, ज्योमेट्री को सही कर देंगे एंड यहाँ से डन पे क्लिक करके आप लोग बैक आ जाइएगा। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बैक, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फोटो है जिस फोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर हम लोग स्मूथ किए हैं, तो फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर किए हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपली देखिए शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा, उस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से पेस्ट करेंगे। एंड दोस्तों जैसे आप लोग पेस्ट करेंगे तो आप लोग अगर ज़्यादा ब्लैक फोटो होगा तो मैं जानबूझ करके मैं प्रीसेट को ज़्यादा व्हाइट किया हूँ, ताकि आप लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट मेरा फेस व्हाइट अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करते होंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग के फेस के ऊपर ज़्यादा लाइट आ चुका है तो आप लोग कैसे उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। एंड दोस्तों सिंपली आप लोग आ जाना होगा, देखिए यहाँ लाइट वाला ऑप्शन होगा एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा शेडो को कम कर देंगे, ठीक है दोस्तों, हल्का सा शेडो कम कर देंगे एंड यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस कर देंगे 66-, एंड यहाँ से व्हाइट वाला ऑप्शन है तो सिंपली आप लोग इसको -2 रखिएगा। एंड दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग इसोलेशन पे आ जाएगा, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग इसोलेशन पे आ जाएगा एंड इसका सिचुएशन आप लोग थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, ठीक है, 64- कर दे रहे हैं एंड इसका लिमनेस आप लोग थोड़ा सा कम ही कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से हट गया है। तो फिर से मिक्स वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड थोड़ा सा इसका देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ से देखिएगा 100 है ना, 100 लिमनेस, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। एंड दोस्तों जैसे आप लोग कम करेंगे, आप लोग अगर ज़्यादा ब्लैक होगा तो आप लोग 100 पे रखिएगा, अगर मान लीजिए आप लोग का ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा फोटो तो आप लोग यहाँ से नॉर्मल में रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली हम लोग 60 रख दे रहे हैं। एंड दोस्तों इतना करना अगर आप लोग का येलो टोन आ चुका है आपके फेस के ऊपर, तो सिचुएशन को यहाँ से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटेड डाटा से वीडियो डालू तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फुल एचडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।